नमस्कार, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी और आलू से झटपट बनने वाली एक क्रिस्पी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में थोड़ा सा पानी बॉयल कर लिया है, फिर उसमें एक चम्मच तेल और एक चम्मच नमक डाल दिया है। फिर इसमें एक कटोरी सूजी डालकर इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं हमारी सूजी थिक हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। लगभग 15 मिनट बाद हमारी सूजी ठंडी हो गई है। अब हम इसको आटे की तरह गूंथ लेते हैं। हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। अब हम फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने बॉयल किए हुए 3 आलू लिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चाट मसाला, 2 चम्मच बेसन, 2 कटी हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 1 गाजर और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम सूजी के डो की बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। हाथों में हल्का ऑयल या घी लगाकर इसको इस तरह से बढ़ाएंगे। ध्यान देंगे इसमें कोई क्रैक ना हो, वरना यह फट सकते हैं। अब हम इसमें अपनी फिलिंग डालकर इसको अच्छे से क्लोज कर देंगे और इसको हल्के से हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। देखिए ये कितना परफेक्ट बना है। इसी तरह हमने बॉल्स का एक सेट रेडी कर लिया है। अब हम इनको तल लेते हैं। अब हम इनको गरम तेल में डाल देते हैं। पहले इनको हाई फ्लेम पर फिर लो फ्लेम पर तल लेंगे। अब इनको पलट कर भी अच्छे से तल लेंगे। आप देख सकते हैं ये रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर बनाइए और इस टेस्टी रेसिपी का आनंद उठाइए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।